एक्सरसाइज हम लोग कौन पढ़ेंगे 3.2। एक्सरसाइज हमारा क्या है 3.2। 3.2 में हम लोग को पढ़ना है कि जैसे कि कोई ग्राफ मतलब कि जो सिचुएशन दिया है, समीकरण दो दे देगा, क्या देगा, दो समीकरण देगा और दो समीकरण में पूछेगा इसे कि आप इसका कंपेयरिंग कीजिए, तुलना कीजिए और तुलना करके बताइए कि इसका कितना हल, एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनेक हल होगा कि हल ही नहीं होगा, पहला चीज ये पूछेगा। दूसरा चीज ये पूछेगा आपसे कि आपको इसका क्या है कि बताइए, आश्रित है कि विरोधी है कि अविरोधी है, है ना, तो आखिर संपाति रेखा बनेगा कैसे, या फिर आपको प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा या फिर ऐसा कैसा रेखा बनेगा, है ना, या कि समानांतर रेखा बनेगा, ये सारे चीज आपसे पूछा जाएगा, समझ रहे ना। तो इसमें इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझिएगा और फिर इसमें भी आपको ग्राफ खींचने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो ग्राफ भी सिखाएंगे, फिर एक बार तो सिखा चुके हैं, फिर एक बार सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास मान लीजिए कि दो समीकरण दिया हुआ, दो समीकरण क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बराबर जीरो, समीकरण एक हो गया, हो गया ना। और यहां पे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी सी वन और सी टू बराबर जीरो, समीकरण क्या हो गया। तो अब यहां पे ए वन बी वन सी वन हमने इसलिए लिया और ए टू बी टू सी टू इसलिए लिया कि हम लोग नंबर तो सेम हो नहीं ना हो सकता है, तो मान लीजिए एक बटा दो हो सकता है, तीन बटा पांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। यानी कि यहां पे जैसे एक समीकरण हम ऐसा ले सकते हैं कि टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस मान लीजिए सेवन इक्वल टू जीरो, और यह हो सकता है कि फाइव एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, ये समीकरण ऐसा भी बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो संख्या बदल रहा है कि नहीं सबका, ठीक है। तो समझाने के लिए ये दोनों ये सारी चीजें जो है ना ये बदलती रहेगी, क्या होगी, बदलेगी, ठीक है। तो ये चीजें देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां देखिएगा, आपसे कहेगा कि अनुपात बनाइए, यानी कि ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, ठीक, ये हो गया। ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू। एक तो सिचुएशन ऐसा बनेगा कि तीनों का तीनों बराबर हो सकता है, मतलब यहां पे सपोज दे सकता है कि तीन बट्टा पांच, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया छह बट्टा दस, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया अठारह बट्टा में पंद्रह, तो सब बताइए बराबर है एक दूसरे का, बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से क्वेश्चन को फंसाता है, देखिएगा, दो से काटेगा दो तीन छह दो पच दस, तीन छह का अठारह, अच्छा जी छ तीन से काटिएगा, ठीक है, ये थोड़ा बराबर नहीं है, तो आप इसको अगर आप करते हैं तीन से तीन पच्चे पंद्रह और तीन छक्का अठारह हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो इसको नौ कर दीजिए, मान लीजिए नौ तीन तीन का नौ, ठीक है। देखिए तो तीन बट्टा दो, अच्छा तीन बट्टा दो कर, तीन बट्टा पांच, तीन बट्टा पांच और तीन बट्टा, सब बराबर आ गया कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि देखिएगा ये दे देगा, दे देगा, बैठाइएगा, देखिएगा कटने वाला है ऊपर नीचे तो काट दीजिएगा, क्या करिएगा, ऊपर नीचे काटने वाला दिया तो क्या करिएगा, काट दीजिएगा, काटने के बाद तब कंपेयर कीजिएगा कि बराबर है कि नहीं। वैसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा लिख दीजिए और कहिए जी तो बराबर ही नहीं, बराबर ही नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर तीनों के तीनों चीजें बराबर है आपके समीकरण का, तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, और हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सबका सब बराबर हो, नहीं हो सकता है ना। एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, नहीं हो सकता है कि पहले कट जाए एक बार कि ए वन बाई ए टू बराबर नहीं है बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कहने का क्या है कि यहाँ पे हो सकता है एक बट्टा दो, यहाँ पे हो सकता है तीन बट्टा पांच, यहाँ पे हो सकता है मान लीजिए कि छ बट्टा दस, तो छ बट्टा दस का मतलब क्या है कि दो तीन छः दो पचे दस, बात की है। या फिर ऐसा भी दे सकता है कि आपका डायरेक्टली भी दे सकता है तीन बट्टा पांच, ठीक है। तो पहला में बराबर तो नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है
नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। देखो कि अगर पहला बराबर नहीं, ए वन बाई ए टू बराबर नहीं है बी वन बाई बी टू, तो क्या होगा? इस सिचुएशन ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना। एक और ऐसा होगा कि ए वन बाई ए टू तो बराबर है बी वन बाई बी टू का, बट सी वन क्या है, बी वन बाई बी टू बराबर नहीं है सी वन बाई ए टू। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक बट्टा दो बराबर एक बट्टा दो बराबर नहीं है तीन बट्टा पांच, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर मान लीजिए कि इसमें सब का सब एक दूसरे के बराबर है तो क्या क्या हल होगा? अगर पहला बराबर है नहीं है तो क्या हल होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो क्या हल होगा? ठीक है, तो यहां देखिएगा, अगर मान लीजिए कि तीनों का तीनों बराबर है, यहां पे कैसा कैसा सिचुएशन बनेगा। ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू अगर है, तीनों का तीनों बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा रेखा बनेगा? रेखा जो बनेगा उस रेखा का नाम होगा संपाती। क्या होगा? संपाती रेखा। बात समझ में आया? चलिए, ये हो गया आपका संपाती रेखा। अगर संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। मैंने बोला था ना, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? आश्रित होगा। तो अगर एक दूसरे के ऊपर अगर ये आश्रित है तो यहां पर हम लिख देंगे आश्रित है, है ना, समझ रहे ना, एक दूसरे के ऊपर क्या है ये आश्रित है। चलिए, अब एक चीज और बताइएगा कि ये विरोधी है कि अविरोधी, यानी विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक दूसरे को। जब बताइए कि सारा का सारा भाई एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई लफड़ाई नहीं है, तो क्या है विरोध हो सकता है? नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यानी कि अगर कोई विरोध नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे? अविरोधी। क्या लिखेंगे? अच्छा, अविरोधी। एक बात ये समझ में आ गया अविरोधी। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए बाबू कि संगत है कि असंगत है, संगत मतलब एक साथ रहने वाला, असंगत मतलब अलग अलग रहने वाला, आपसे पूछा जाएगा संगत है कि असंगत है तो क्या बताइएगा? संगत है, बिल्कुल। ये आपका एक और चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये एक दूसरे का क्या है? अच्छा, चलिए, तो बात समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने हल होंगे, हल मतलब कितने इसका हल बनाया जा सकता है। अब एक बात बताइएगा, अगर तीन भाई चार भाई जो कुछ भी है अगर एक दूसरे के सब साथ में रहते हैं तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका क्या होगा? इसका अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा बुआ? अनेक हल होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको? अगर एक चीज एक दूसरा एक दूसरे के बराबर है तो संपाती रेखा बनेगा, संपाती रेखा बनेगा तो वह दूसरे के ऊपर आश्रित होगा, आश्रित होगा तो क्या होगा? देखिए, संगत होगा, संगत होगा फिर अविरोधी भी होगा, और जब सबका सब चीज है ठीक है तो एक क्या होगा? अनेक हल। इतने बात समझ में आया आप लोग को? चलिए, अब एक सिचुएशन ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि एक पहला ही बराबर नहीं है, जैसे ए वन बाई ए टू बराबर नहीं है बी वन बाई ए टू, तो अगर बराबर नहीं है तो कौन सा रेखा बनेगा? यहां देखिएगा, ये बनेगा आपको रेखा प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है? दूसरे का क्रॉस किया हुआ रहता है, क्या हुआ रहता है ना। चलिए, अब बताइए क्या ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है? नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि देहात में कहा जाता है कि ठीक है अगर आप अपने खेत पर हमको जाने दीजिएगा तो हम आपके अपने खेत पर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक दूसरे को क्या है, ये इसके तरफ जा रहा है तो फिर इसके तरफ जा रहा है, बस एक दूसरे के ऊपर आश्रित तो नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपका मान लीजिए कि ये समरान का खेत है, अगर ये कह रहा है कि हम पानी नहीं जाने देंगे, ठीक है भाई मत जाने दीजिए, हम दूसरा रास्ते चले जाएंगे, साजिद के खेत चले जाएंगे, कहा नहीं देंगे फिर हम असीम के खेत चले जाएंगे, रास्ता तो बहुत मिलेगा लेकिन घूम फिर करना पड़ेगा, और इनका रास्ता क्या है? सीधा। ठीक, अब क्या होगा? लेकिन ये कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा, हमको पानी ही नहीं पटाना है, लेकिन अगर बाबूजी कहे तुम लोगों कि हम पैसा नहीं देंगे तो कौन देगा? कोई नहीं देगा, यानी कि तुम उसके उनके ऊपर आश्रित हो, उनके बिना तुम्हारा काम नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आश्रित होगा, ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी का मतलब यहाँ पे अब कितना हल बनेगा? केवल एक हल बनेगा। कितना हल बनेगा? एक हल बनेगा। देखो क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये मिल रहा है तो इसका आप क्या कहिएगा? केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल कह सकते हो या अद्वितीय हल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अद्वितीय हल कह सकते हो। तो अद्वितीय हल का मतलब भी होता है एक ही हल। ठीक है, बात समझ रहे हो ना।
तो अब देखो कोई ना कोई हल निकल रहा है, ये आश्रित है एक दूसरे के ऊपर, आश्रित नहीं है लेकिन संगत है कि नहीं है? संगत है भाई, कोई ना कोई हल तो मिल रहा है। विरोधी है क्या? विरोधी है, अविरोधी। यहाँ पे विरोध थोड़ी कर रहा है, विरोध करता तो जन्म देता, नहीं जाने देता। ये क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? अविरोधी भी हो गया, संगत भी हो गया। ठीक है, और अप्रमित रूप से अनेक हाल यहाँ पे केवल एक हाल होगा, फिर अद्वितीय हाल होगा। समझ रहे हो ना? अगर ये सिचुएशन आती है कि A1 by A2 तो बराबर है लेकिन B1 by B2 C1 by C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पे समानांतर रेखा बनेगा। क्या बनेगा? समांतर रेखा बनेगा। और समांतर रेखा जो बनता है ना, समांतर रेखा का मतलब देखो तो सीधा सीधा बन रहा है। तो अगर सीधा सीधा ये बन रहा है एक दूसरे का, तो इसमें कहीं मिले एक दूसरे से कुछ मिल ही नहीं रहा। जब कोई मिल ही नहीं रहा है तो इसका हल कितना होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। होगा कोई हल? कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? अब इसका तो कोई हल नहीं हुआ, तो एक बार बताइएगा कि संगत होगा क्या? संगत होगा, असंगत होगा, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो समस्या कैसे बनेगा? अब मैं तू हम तुमको देखे जल रहे हैं, तुम हमको देखे जल रहे हो, संगत होगा? नहीं होगा ना। अब इस तरह लड़की शर्म होता है, ऊपर से संगत होता है लेकिन अंदर से बहुत खुश होती है। का है कि हलवे झार कर दिया है ना, हो गया लफड़ा, ऊपर से सब चीज रखी अंदर से छुरा कटा दी, समझ ना? वही चीज होती है। छोड़िए यहाँ पे, तो ये एक हो गया क्या? असंगत हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि आप बताइए, ये विरोधी है कि अविरोधी है? वो का विरोधी ना होगा, विरोधी होगा तब ना नहीं जाने दे रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका? विरोधी हो जाएगा। तो इसको आप एक बार और हम इसको रिमाइंड कर देना, आपको रिमाइंड करने के बाद हम इसको मिटा देंगे, और मिटाने के बाद हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन देने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, फटाफट बताइएगा। तो पहले एक बार और इसको याद दिला दे रहा आपको, देखिए इस तरीके का सिचुएशन हो देगा, दो समीकरण देगा आपको, क्या दे देगा? आपके पास दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म पड़ रहा है, तो युग्म का मतलब क्या होता है? इसमें आपको क्या देगा? दो रैखिक समीकरण होगा। युग्म कब बनता है? जब जोड़ा रहता है तब ना बनता है। जोड़ा का मतलब एक जैसा दो होगा, तो दो आपको दो समीकरण दे देगा, ये समीकरण वन समीकरण टू। अब कहेगा कि आप इस दोनों को तुलना करके बताइए कि इसका रेखा कैसा बनेगा, इसका हल कितना होगा, है इसका कैसा कैसा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए A1 by A2 बराबर, B1 by B2 बराबर, C1 by C2 अगर तीनों के तीनों बराबर है, यानी कि 3/5, 3/5, 3/5, ये फॉर्म अलग अलग हो सकता है। देखिए फॉर्म अलग अलग था कि नहीं, लेकिन वैल्यू तो बराबर ही था। तो यहाँ पे अगर तीनों एक दूसरे के बराबर है, अगर नहीं है, देखिएगा पहले काट लीजिएगा, छोटा काट लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर तीनों का तीनों दूसरे के बराबर कैसा रेखा बनेगा? संपाति। जब संपाति बनेगा का मतलब क्या है कि जब संपाति बनेगा एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा बन रहा है, तो मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर आश्रित है कि नहीं है? आश्रित है, आश्रित भी है और क्या है? संगत भी है, क्योंकि संगत इसलिए कि एक दूसरे से मिला हुआ है। अच्छा, अविरोधी है, विरोधी का मतलब, अविरोधी का मतलब भाई ठीक है जाओ ना यार कोई बात है, समझ रहे हो ना? चलो, और जब इस सबका सब एक दूसरे से मिला हुआ है तो इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। या फिर एक और इसका कहा जाता है अप्रमित रूप से अनेक हल। क्या कहा जाता है? अप्रमित रूप से अनेक हल, अप्रमित रूप से अनेक हल। अप्रमित रूप से कितना हल होंगे इसका? अनेक हल होता है। ठीक है, अब आइएगा उसके बाद क्या होगा? अप्रमित रूप से अनेक हल हो गया। उसके बाद आएगा क्या कि A1 by A2 बराबर नहीं है, B1 by B2 बराबर है, C1 by C2 यानी कि अगर फर्स्ट में बराबर नहीं है, सपोज मान लीजिए एक बात कह रहा है, एक एग्जांपल थोड़ा सा और ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये सम्रान है, नहीं सम्रान है, है? और यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है, एक दरवाजा यहाँ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बंदा आ सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आ सकता है, फिर एक और दरवाजा यहाँ लगा हुआ है। ठीक, चल बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे इसकी महबूबा है, मान लीजिए इसका बनिया कर देती, तो मान लीजिए ये सम्रान है और ये मान लीजिए कि क्या है? शाहीन है। शाहीन हो सकती है कोई ना? रफ्तार कर रहा है, कर दिया। ठीक है, अब बता
अब हुआ क्या कि ये बेचारा को ये तीन दरवाजा हेल करके इसके पास जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर तीनों दरवाजा खुल गया, ये पूरा का पूरा यहां से हेलते आ गया, तब तो इसका काम चाली है कि नहीं, काम कोई दिक्कत है इसको, लेके उड़ जाएगा, लेके उड़ जाएगा। लेकिन अब देखिएगा, तो ये अगर पूरा का दरवाजा खाली है तो मतलब इसका सारा काम तो बन गया यहाँ पे, समझ रहे हो ना, कोई काम अब इसका रुका नहीं। अब देखिएगा अगर बंदा का किया इस दरवाजे को कैसे कैसे तोड़ करके, और ये दरवाजा को भी तोड़ यहाँ पे आया, ये दरवाजा को तोड़ दिया, ये बेचारा यहाँ पे आ गया ना? अभी इसको दो दरवाजा तोड़ना है, तो क्या ये अगर यहां तक अभी पहुंच, देखो पता है कि एक दरवाजा अगर मुश्किल से तोड़े है, या फिर सपोज मान लो कि एक दरवाजा भी अभी नहीं तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही देखा है ना, दो ही दरवाजा है ना, यहाँ पे एक और दो दरवाजा है, बंदा तो खड़ा है पीछे, अब यहाँ पे ही आके कूट पीस कर रहा है, इससे दरवाजा टूट ही नहीं रहा है, पूरा ताकत लगा दिया, पूरा सब कुछ अपना करना था कर लिया, दरवाजा नहीं टूटा, तो ये कैसे जाएगा बताइए, लास्ट में भार था कर क्या करेगा, घूम जाएगा, चला जाएगा भाई, जो आता अपना ही, मेरे किस्मत में तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ। लेकिन ये बंदा इस दरवाजे को अगर खोल दिया, इसके अंदर से का पूरा ताकत आ जाएगा, अब तेरे को खोल दिया और खोल देंगे, हाँ? खोला, अब बंदा यहाँ पे आकर के पूरा ताकत लगा लिया, नहीं खोला, अब उसके ऊपर क्या बीतेगा आप जान ही रहे हैं, समझ रहे ना। देखिए वही चीज है, अगर पूरा खुला है तो ठीक है, अगर एक दरवाजा अगर ये मान लो कि फर्स्ट में नहीं खुलेगा तो हार जाएगा, छोड़ भाई अब नहीं, मेरे किस्मत में किधर जा रहा है, यानी एक हल हुआ कि चला गया। अब अगर ये दरवाजा तोड़ के यहां तक पहुंच गया, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो क्या करेगा, इंतजार करेगा, भले भूखे प्यासे मरेंगे, खड़ी होंगे, कभी तो खुलेगा, कभी तो खुलेगा, या फिर वहां पर रह जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा बेचारा, एक वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक दरवाजा हिलने के बाद मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक दरवाजा ये नहीं हिला, अगर फर्स्ट में हिल गया लास्ट में नहीं हिल पाया तो क्या होगा, कोई हल नहीं मिला, नहीं वापस आ पाएगा ना आगे जा पाएगा, बेचारा क्या होगा, बीचों बीच में मरेगा, भूख प्यासे तड़पेगा, हाँ तुम ले जाके सेल्फी लेते रहना। चल यहाँ पे तो अब समझिएगा कि अगर अगर प्रतिच्छेदी है तो क्या बनेगा, केवल एक हल होने का और अद्वितीय हल होगा, संगत होगा और अविरोधी होगा, ठीक है। अगर लास्ट में है तो समानांतर रेखा बनेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत भी होगा और क्या होगा, विरोधी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगर आप उतारना चाहते तो उतार लीजिए, ठीक है। या फिर आप लोग उतारे थे इसके पहले, शायद मुझे याद है इसके पहले आप लोग उतार लिए थे, ठीक है। चलो उतार थे ना, अब इसमें क्वेश्चन बना के आप लोग दिखाइए, दिखा देना आपको। यहां देखियो इसको मिटा दे रहे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग फटाफट बताइएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के बताओ सुनो। यहां देखिएगा कह रहा है कि समीकरण युग्म क्या दिया है, 2x 3y बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया है 4x 6y बराबर 9। और आपके ऑप्शन है ए, असंगत है पहला ऑप्शन में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में कह रहे हैं कि अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। तीसरा में कह रहा है सी में इसका क्या है, अनेक हल है, ठीक है। और डी में क्या कह रहा है, इनमें कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई आंसर नहीं है। अब बताइए आप लोग आंसर फटाफट क्या होगा इसका, आजादी बनाइए, बना के बताइए हमको, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बनाइए, बना के बताइए, नहीं बनाइए, आप उसको चेक कीजिए, समय है आपके पास, आप चेक करके बताइए कि इसका हल क्या होगा एकदम। या फिर अगर कोई बच्चा अगर दिमाग लगाएगा ना, तो आंसर तो यही तो मिल जाएगा इसका,
आंसर तो इसका यहीं पे मिल रहा, ठीक है, बने फटाफट बने। तो आपके पास मात्र एक मिनट का समय है, एक मिनट में आपको बना के आंसर बता देना इसका, बनाइए जल्दी बनाइए फटाफट। हाँ जल्दी, दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग उसको बनाइए, ठीक है। वह समीकरण, वह समीकरण, वह समीकरण युग्म, युग्म जिसका अनेक हल हो, अनेक हल हो, अनेक हल हो कहलाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, विरोधी बी नंबर में आ जाएगा आपका, आश्रित सी नंबर में हो जाएगा, समांतर डी नंबर में हो जाएगा, प्रतिच्छेद। जल्दी फर्स्ट में कैंसिल निकल गया आपका, नहीं निकला ना, अरे घोंचू सब रे, देखो यहाँ पे जल्दी बना, ये क्वेश्चन भी बनाओ जल्दी। एक और क्वेश्चन लिख रहा है फटाफट, देखो बिल्कुल सर हम हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहें अनेक हल होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताइए, इतना जूता मारेंगे सर पे दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा तुम लोग को, छोटा सब यहाँ पे देख रहे हो कि दो बट्टा चार, यानी दो बट्टा चार बराबर तीन बट्टा छ बराबर पांच बट्टा नौ, ठीक है, देख रहे हो दो एक कम दो दूना चार, तीन एक कम तीन तीन दूना छः, एक बट्टा दो बराबर एक बट्टा दो बराबर नहीं है पांच बट्टा नौ। और बताओ जब लास्ट में कटता है तो लास्ट में कटने का मतलब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, यानी कि इसमें क्या है, असंगत है, बिल्कुल असंगत है, संगत होगा उसमें, अभी तो बताया ना जस्ट दो मिनट पहले तुम लोग को कि जब लास्ट में कटेगा तो कौन सा हल होगा, असंगत होगा और समानांतर रेखा बनेगा, समांतर रेखा बनेगा उसका कोई हल नहीं निकलेगा है। चलिए तो बताओ जल्दी सर, इसको बताओ क्या लिखा है तुम लोग को, वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल हो कहलाता है, क्या कहलाता है, विरोधी आश्रित समांतर प्रतिच्छेदी, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन एक और देखिए उसको बताइए जल्दी बताइए। यहां पे यदि समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो क्या होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो इसका आंसर क्या होगा, समीकरण का संबंध करो, संपाती बनेगा कि प्रतिच्छेदी बनेगा कि क्या बनेगा, समांतर बनेगा या फिर इनमें से कोई नहीं, डी में होगा नॉन। अब बताइए इसमें से आंसर क्या होगा जल्दी। बताइए आप लोग, ये बना है रे घोचू सब्त, वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल हो, जब अनेक हल होगा तो क्या होगा, विरोधी होगा नहीं होगा, आश्रित होगा, क्या होगा, अभी ना बताया था जब अनेक हल होता है तो संपाती रेखा बनता है, संपाती रेखा मतलब क्या होता है, आश्रित होता है, अभी ना तुम लोग को बताया है, आप घोचू बड़ा लगन है ना। देखिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है,
अगर बताइए जिस समीकरण का कोई हल नहीं है उसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, समपाती बनेगा कि प्रतिच्छेदी बनेगा कि समांतर बनेगा, दोनों क्या बनेगा, समांतर बनेगा। हाँ ये बात तुम लोग का सही है कि जब इसका कोई हल नहीं है वो क्या बनेगा, समांतर बनेगा। बात समझ रहे हो ना। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ठीक है, कह रहा है कि क्लास 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या क्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यानी कि जो कहने का अर्थ क्या है कि एक वहां पे किसी भी स्कूल में या जहां भी हुआ होगा तो 10वां क्लास के बच्चे थे, 10 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, और 10 बच्चों में से जो कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे, लेकिन वहां पे ये बताया गया लड़कों की संख्या जितनी थी उससे 4 ज्यादा क्या थी, लड़कियों की संख्या थी। ठीक है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मानना क्या है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का 1 जो है, ठीक है, मानोगी माना कि लड़कियों की संख्या x है, कितना है, लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितना है y। तो अब करेंगे हम लोग प्रश्न से का मतलब क्या है कि लड़का और लड़की टोटल मिला के कितने थे, 10 बच्चे थे, समीकरण एक हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या है कि कह रहा है कि देखोगे x ये लड़की की संख्या है, x क्या है लड़की की संख्या है और y क्या है लड़कों की संख्या है कि नहीं, x लड़की की संख्या y लड़कों की संख्या, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, लड़की की संख्या और लड़का की संख्या से कितना है 4 ज्यादा है, तो कॉम वाला मन हम लोग जोड़ेंगे ना, देखोगे x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण क्या हो गया, समीकरण एक और समीकरण 2 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है शायद ग्राफीय विधि से हल करें, समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, यहाँ पे बना देंगे हम लोग क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, ठीक है, बॉक्स बना देंगे यहाँ पे। अब आप 3 को बनाइएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या लिखिएगा x और सेकेंड वाले में क्या लिखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे x के वैल्यू कुछ अपने मन से रख लो, कुछ भी जो चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आसान है, कोई दूसरा संख्या तो है नहीं काटने कूटने वाला, है नहीं, है ना। यहाँ पे एक्स की संख्या, x की वैल्यू मान लेते हैं हम कितना मान लें, चलो अगर x की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 x बराबर क्या हो जाएगा, मान लो 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर क्या होगा 10 माइनस 5, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर आ गया 5, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना मान लें, 3 मान ले, चलो 3 मान लिया, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा हमारा x प्लस वाई बराबर 10, x के बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना देखो, तो यानी कि 10 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो गया 7, तो x बराबर अगर यहाँ पे 3 तो y बराबर, ठीक है। और फिर लिखेंगे अब समीकरण 2 से, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 से का क्या मतलब है कि x माइनस वाई बराबर 4, तो x का वैल्यू अब यहाँ पे फिर बॉक्स बना लेंगे, चलो यहाँ पे समीकरण 1 का बॉक्स हो गया और समीकरण 2 का बॉक्स यही बना लेते हैं, ठीक है, बन जाएगा ना, ये x का हो गया, ये y का, ये बना दिया। x का वैल्यू क्या रख ले बताओ, तो
चलिए एक्स का वैल्यू अगर हम दो रख लेते हैं, यहाँ पे दो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, चार। तो माइनस वाई बराबर चार माइनस दो, तो यह हो जाएगा दो, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो, क्योंकि ये वाला संख्या जो है ना अल्फाबेट का नंबर हम लोग माइनस में नहीं रखते हैं, ठीक है। वाई बराबर क्या आ गया दो, एक्स बराबर क्या मान लेते हैं दो, वाई बराबर आ गया माइनस का, ठीक है। अब क्या रखें, अब एक्स बराबर क्या रखें बताओ तो, हाँ रख तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहो रख सकते, इसमें काटने कूटने वाला प्रॉब्लम नहीं है, जो मन चाहे रख सकते कोई दिक्कत नहीं। चलो एक्स बराबर हम छह रखते हैं, तो एक्स माइनस वाई बराबर चार, एक्स के ऊपर क्या लिख देंगे छह माइनस वाई बराबर चार, तो माइनस वाई बराबर चार माइनस छ, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो, वाई बराबर क्या आ गया देखोगे एक्स बराबर छ वाई बराबर दो। तो अब इतना हम लोग बना दिया, अब इसके आगे हम लोग ग्राफ खींचें, क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिएगा, आपको मैंने सिखाया था कि ऐसे एक ले लीजिएगा और एक लाइन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले को क्या कहते हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग वाई और वाई एक्सिस, ये सेंटर हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ देखिएगा माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छ माइनस सात, जहाँ तक आपको सुविधा मिल रहा है लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि x का वैल्यू कितना है पांच, y का वैल्यू पांच, यहाँ पे फर्स्ट वाले समीकरण में x का वैल्यू पांच है y का वैल्यू पांच, x का वैल्यू पांच यहाँ पे आपको मिलेगा, y का वैल्यू पांच यहाँ मिलेगा, यहाँ पे इसको ला के ऐसे कर दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट तुमको मिल गया, इस पॉइंट का समीकरण का लिखेंगे पांच और पांच, ठीक। दूसरा क्या लिखा है तीन और सात, तो एक्स में कितना है तीन और वाई में कितना है सात, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको इधर से खींच के लेके आओ, एक यहाँ पे, अब इसको मिला दो, मिला दिया हम लोगों ने, ये फिर एक कह रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना दिया है दो, तो एक्स का वैल्यू दो और वाई का वैल्यू माइनस दो, एक्स का वैल्यू दो वाई का वैल्यू माइनस दो नीचे है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, मिलेगा। फिर कह रहा है एक्स का वैल्यू छह वाई का वैल्यू कितना दो, एक्स का वैल्यू छह यहाँ पे है और वाई का वैल्यू दो है ना, दो ऊपर जाएगा, यहाँ पे आया यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ मिला। अब इस वाले पॉइंट को तुम इस वाले पॉइंट से मिला दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर यहीं कटेगा, मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट तुम लोग कटोगे ना तो तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट कटेगा, एक्स का वैल्यू छ आ जाएगा और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा चार, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग कट गया मेरा, सात हजार कटा हुआ, ठीक है। तुम लोग काटोगे तो यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी